and they are none other than Fnatic. What's happening, Fnatic? How are you doing? You guys, hello, can you guys hear us? Yes. Yeah, we can hear you. कैसे फील हो रहा है यार? बहुत क्लोज था लास्ट फाइनल मैच में, कुछ भी बदल सकता था. आप अनफॉर्चुनेटली सेकंड आए. कुछ क्या स्ट्रेटजी थी, क्या आपकी प्लानिंग थी फाइनल मैच में जाने के पहले, कि किस तरीके से उसको अप्रोच करने वाले थे? तो मतलब पहली बार मैं इतने टाइम से खेल रहा, पहली बार कर आया मतलब गेम को लेके, वरना मैं इतना प्रेशर से खेलता नहीं हूँ. और वही प्रेशर की वजह से हम सब पे उतना ही प्रेशर आया, वही प्रेशर की वजह से थोड़ा डिसीजन मेकिंग गलत हो गई और थोड़ा इशू हो गया. मतलब हम लोग ने अपना ड्रॉप स्पॉट भी चेंज किया और बहुत सारी चीज़ें की जो नहीं करनी चाहिए थी, वो रियलाइज हुआ और उससे एक सबक मिला के क्या नेक्स्ट आने वाली जितनी भी टूर्नामेंट है उसमें हम लोग से गलती फिर से नहीं होगी, इतना तो श्योर हूँ. Oh good. कुछ एक example बता सकते हैं कि exactly what decision in the final game that went wrong? कहाँ थी आपकी पहली initial drop spot? क्यों change किया था? हमारा drop spot था वही, same ही था, but फिर हम लोग ने मतलब मैंने बोला अपन अपने drop पे ही जाते हैं और मतलब आकाश ने बोला कि सेवरनी खा लिए, चल देते सेवरनी, आराम से लूटेंगे और फिर जैसा game होगा खेलेंगे, मरे तो मरे. बट बेसिकली हम लोग सेवरनी पहुँच नहीं पाए, गाड़ी भी नहीं मिली, लूट भी नहीं थी, तो हो गया थोड़ा मतलब दिक्कत, पर कोई बड़ी बात नहीं है यार, नेक्स्ट टूर्नामेंट कर लेंगे. पहली अभी ये टीम के साथ हमारा न्यू स्टार्ट था तो थोड़ा एक दूसरे को समझने में भी इशू हो रहा था, कई बार मेरे से गलती हो जा रही थी, कई बार उससे गलती हो जा रही थी, कई बार टीममेट से गलती हो जा रही थी, तो इट हैपेंस. नहीं और एनीवे आपको निराश होने की जरूरत नहीं क्योंकि आप फिर भी सेकंड आए हो, बहुत बढ़िया खेले हो पूरे टूर्नामेंट में. मुझे हैप्पी चीजों के बारे में पूछते हैं, वो कौन सा आपके लिए वेदर इंडिविजुअली और धीराज, अगर मैं थर्ड आता ना तो नहीं होता, बट सेकंड आते ना तो बहुत होता है. सेकंड आने का गम बहुत है. करेक्ट, एक बार के लिए थर्ड आ जाते ना तो चलता. नहीं सही बात है, लेकिन मैं फिर भी पूछना चाहता हूँ कि ऐसे कौन सा मोमेंट था आपके लिए जो आपका पर्सनल फेवरेट मोमेंट था ये पूरे टूर्नामेंट में, चाहे वो इंडिविजुअल प्ले हो या एज ए टीम आपने कुछ किया होगा. तो का लास्ट मैच अभी फिफ्थ वाला मैच जो हम जीते, उसमें हम पागल हो गए मतलब जीतने के बाद कि अभी हम पे चांस आ गया फर्स्ट का ऐसा. अच्छा अभी मुझे इमीडिएटली पॉइंट सिस्टम में बढ़ गए थे, करेक्ट. अभी अभी ओवेस के अलावा बाकी दोनों भी कुछ बोले. मेरा भी फेवरेट मोमेंट यही था सैनॉक वाला, क्योंकि हमको मतलब एक होप आ गई थी कि आप कुछ कर सकते हैं. जो भी बाकी जैसे जोन बन रहे थे हम पे हार्ड शिफ्ट एक बार भी नहीं हो रहा था, जैसे जब जोन बनने वाला था मैंने बोला भाई एक बार तो बन जा हार्ड शिफ्ट, हो जा तो हम पे ही आ गया सैनॉक में हार्ड शिफ्ट और फिर हमने वो निकाला, तो फिर वो अच्छा लगा. मतलब गुड मैन, यू गाइस लुक सैड, डोंट लुक सैड, कैन यू, ओके यू गाइस नो हाउ टू स्माइल, नो थोड़ा, ओह नाइस स्मर्क, थोड़ा स्माइल, ओह वेरी गुड, दैट्स अ ग्रेट स्माइल, यू हैव अ नाइस स्माइल एज़ वेल. अभिष हमको ये एक्चुअली पंच करना चाहते हैं, हम इनको बार-बार सता के बोल रहे हैं स्माइल करो. But still, congratulations, you came second. The prize Thank pool you. Is big and I'm looking forward to seeing you for more competitions and obviously BMIS 2021 May, but before that as well. So all the best. I'm looking forward to your journey. Thank you. It's been exciting. Congratulations guys on a very well played and very Thank well fought you. Tournament. Well done. Thank you.